सर ये बताइए कि पहले आप मेरा इंटरव्यू लेंगे कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, ये वीडियो कैसे शूट करना है? कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा, अपना अपना बताने का बस। क्या चला? ठीक है, ओके। वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने अपने करियर में स्टार्टिंग से कुछ खास सेविंग करी नहीं, यू नो। मैंने अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट किया चीफ ऑफिसर बनने के बाद, शादी के बाद। तो मैं इस वीडियो में जो कुछ भी अचीवमेंट या जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये सबको अचीव करना बहुत ईजी है अगर आप थोड़ी बहुत प्लानिंग करें। क्योंकि मैं हमेशा से रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा खर्चीला बंदा, और फिर भी मैंने जो कुछ भी सेव कर लिया है। उसके पहले कैप्टन साहब, अपने करियर के बारे में पहले बताइए आप। हाँ, करियर के बारे में मैंने 2002 में सेलिंग स्टार्ट करी एज अ डेक कैडेट, और 25 मंथ्स कैडेट में किया मैंने, 13 मंथ्स एज अ थर्ड मेट किया, 12 मंथ्स मैंने सेकंड मेट किया, और चीफ मेट में किया 27 मंथ्स, और अब मुझे हो चुके हैं मास्टर में 42 मंथ्स। तो मेरा क्या है कि प्रमोशन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ है, तो आई हैव बीन क्वाइट लकी इन दैट। ऐसा है भाई, मेरे को नून रिपोर्ट भेजना है और फिर मेरा पायलट आ रहा है, तो मुझे जाना भी है। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो आप जाइए, मैं बाकी का वीडियो मैं खुद बताता हूँ सबको। हाँ, तो ये तो रहा करियर। करियर के बाद आते हैं अर्निंग्स पे। नजर डालिए इस स्क्रीन पे। अर्निंग का कैलकुलेशन ऐसा है कि क्रेडिटशिप में मैंने कमाए, मेरी सैलरी थी $500 और मैंने किए 25 मंथ सी टाइम, सो जो कि होते हैं $12,500, 6 लाख रुपए। थर्ड ऑफिसर में मेरी सैलरी थी एवरेज अबाउट 3,300, 13 महीने किए जो कि होते हैं $43,000 विच इज 26 लाख। एंड सेकेंड ऑफिसर में मेरी सैलरी थी एवरेज अबाउट 5,200, मैंने किए 12 महीने, होते हैं $62,000, होते हैं अबाउट 39 लाख। चीफ ऑफिसर में सैलरी एवरेज थी अबाउट $10,000, 27 महीने किए $270,000 equal to 175 lakhs। मास्टर में एवरेज सैलरी अभी तक की हो चुकी होगी अबाउट 13,000, 42 मंथ्स रैंक एक्सपीरियंस मेरा, होते हैं $546,000 जो कि होते हैं 370 लाख। एंड इन सबको टोटल किया जाए तो ये आता है राउंड फिगर 6 ईयर टैक्स फ्री इनकम, NRI मेंटेन करो, नो टैक्स। तो ये 6 करोड़ रुपए मेरी अर्निंग्स है जो कि कैडेटशिप से अभी तक की है। इसमें से अबाउट 3 CR तक का मेरे पास एसेट्स है और इन्वेस्टमेंट्स है। मुझे लगता है आप इससे भी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। आप अगर अपने करियर के स्टार्टिंग से और बेटर प्लानिंग से चले तो आप इससे भी ज़्यादा सेविंग बड़े आराम से कर पाएंगे। आज वेदर थोड़ा सा खराब है, हल्की फुल्की रोलिंग हो रही है, तो दरिया में ये सब चीज़ें तो होंगी होंगी। हाँ, तो अभी ये जो मैंने अर्निंग्स का हिसाब किताब लगाया है कि टोटल अर्निंग हुई अबाउट 6 CR के आसपास, तो इसमें क्या हुआ है कि 2002 से 20 तक यार डॉलर के एक्सचेंज रेट चेंज हुए हैं। जब आप रैंक में नए होते हो आपकी सैलरी कम होती है, जब आपको एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो मैंने वो एक्सचेंज रेट को और सैलरी इंक्रीमेंट को ईच रैंक पे उसको एवरेज आउट कर दिया है ईजी कैलकुलेशन के लिए। 18 साल सेलिंग करने के बाद क्या अचीव किया, ये एनालाइज करना भी ज़रूरी है। तो मैंने अचीव किया अपनी लाइफ में बहुत सारे बी। पहला बी आई वुड से बल, हिंदी का वर्ड है, बल मतलब स्ट्रेंथ, और उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ हेल्थ से। तो सेलिंग करने से क्या होता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास हमेशा एक फिक्स रूटीन होता है शिप में, और शोर में भी इतना टाइम होता है कि मैं हमेशा से अपने फिटनेस पे ध्यान दे पाया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी नहीं हूँ, मगर एटलीस्ट फिट रहने की कोशिश करता हूँ। ये ट्राई करता हूँ कि यार कुछ भी पहने तो उसमें अच्छे लगे और अपनी हेल्थ सही रहे, अपने पास एनर्जी रहे कुछ भी करने के लिए। तो ये मेरा टारगेट बड़े आराम से अचीव हो गया सेलिंग करते करते। नेक्स्ट बी इज फॉर बीवी, वाइफ। यस, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं, पीसफुल सेलिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल स्मार्ट अपना काम खुद मैनेज करने वाली वाइफ बहुत जरूरी है, जो कि मेरे को मिली और उसका बहुत बड़ा रोल है वॉट एवर जो भी मैं कुछ भी अचीव कर रहा हूँ या मैं ये इतनी अच्छी लाइफ जो जी रहा हूँ। क्योंकि सही टाइम पे सेविंग करना, कुछ इन्वेस्टमेंट करना और एक अच्छा सपोर्ट होना और फैमिली को आपके एब्सेंस में संभालना बहुत जरूरी है। थर्ड बी इज फॉर बच्चा, बच्चा यानी कि बेबी। तो बच्चे का ऐसा सीन है कि हम लोग की शादी हो गई 2010 में, जबकि मैं था 27 ईयर ओल्ड और मेरी वाइफ थी 23 ईयर ओल्ड। जो पुराने सब्सक्राइबर लोग, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो, मुझे पता है आप लोगों को इससे बातें पता है, मगर कुछ नए लोगों के लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। 5-6 साल के बाद हमने प्लान किया बेबी, और उस टाइम जब हमें बेबी चाहिए था
तो हमें बेबी हो गया और हमारा बेबी कंसीव भी ऑन बोर्ड हुआ था। तो शिप पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। अगर आप सेलर्स लोगों को यू नो सीरियसली आर लुकिंग फॉर बेबी तो सेलिंग साथ में करना बहुत सही है। कोरोना में बंद हो गया मगर आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ईयर कि इस साल वैक्सीन आ जाए और हम साथ में सेलिंग कर पाए और हमारी हो गई बेबी गर्ल और हेल्थी बेबी। आजकल के जमाने में होना और टाइमली होना जब आपको चाहिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नेक्स्ट बी इज फॉर ब्रदर्स। ऑफकोर्स मेरा कोई सगा भाई नहीं है बट वट आई मीन इज ब्रदर लाइक फ्रेंड्स। सेलिंग करने से क्या होता है कि आप जब किनारे पे जाते हैं आपके पास बहुत सारा टाइम होता है तो आपको अपने खास दोस्तों के साथ कैचअप करने का टाइम मिलता है। हमें कुछ प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास पैसे भी सफिशियंट रहते हैं और दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आपके ऐसे ब्रदर जैसे इतने अच्छे दोस्त आपके तभी बन सकते हैं जब आप उतना सारा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो ये सारी चीजें सेलिंग करने से पॉसिबल है। नेक्स्ट बी इज फॉर बंगलो। ऑफकोर्स मेरा घर एक प्रॉपर बंगलो तो नहीं है, इट्स लाइक आई एम शेयरिंग वन वॉल विद अनदर बंगलो, बट यस थ्री साइड्स फ्री है तो प्रीटी मच वो है। तो एक बहुत ही अच्छा घर बहुत जरूरी है जो कि मर्चेंट नेवी की वजह से हुआ है और ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि एक बार जब आपके पास आपका आता है परमानेंट घर तो आप उस घर से सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपका एक एपिसेंटर बन जाता है, आप वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। सही है ना। नेक्स्ट बी नंबर 6 आता है भूसा के लिए। इसको गेस करने के लिए किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। फैमिली और फ्रेंड्स के बाद अगर कोई प्यारी चीज मेरे पास है तो वो है मेरी बाइक और हर शिप पे मैं ये कैरी करता हूँ। ये उसका अपनी टैंक का रेप्लिका है, ये याद दिलाता है भाई व्हाटएवर, मतलब आई जस्ट लव टू कीप इट विद मी। इसमें बाइक का नंबर वंबर सब मार्क्ड है। सो व्हाटएवर, चलती है क्या? चलती है क्या बोलते हैं, ये बाइक खुश रखेगी ना मुझे? मुझे झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर मांगता है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर मांगता है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर मांगता है। नेक्स्ट बी जो है लास्ट बी नंबर 7 आता है BMW के लिए जो कि अभी अभी लेटेस्ट एडिशन है फैमिली में। शिप पे आने के 2-3 महीने पहले ही मैंने इसको खरीदा था तो बहुत खुश हूँ मैं इससे। तो क्या बस स्किल्स क्या है मेरे पास, सेलिंग करता हूँ, मास्टर का काम करता हूँ, नेविगेशन, कार्गो ऑपरेशन, ये स्किल से अपने स्विमिंग कर सकता हूँ, राइडिंग कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, बस बाकी कुछ खास स्किल है नहीं। एक डांसिंग एक स्किल है जो कि मैं सोचता हूँ कि सीखूँ, देखते कभी होता है। तो मैंने इन 18 सालों में सेलिंग करी है अभी तक सारा सी टाइम जोड़ने पर 119 मंथ्स आता है जो कि होता है अबाउट 9.9 ईयर्स। तो 18 ईयर्स में 9.9 ईयर्स 50% से थोड़ा ज्यादा आता है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जूनियर रैंक्स में ब्रेक कम थे और सेलिंग टाइम ज्यादा था। अगर लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए जो कि है शादी के बाद का, तो मैंने सेलिंग करी है 65 मंथ्स, उसमें से 22 मंथ्स मैंने सेलिंग करी है अपनी वाइफ के साथ और उसमें से 4 महीना ऑफ कोर्स बेबी के साथ वाला भी है। वो देखा जाए तो मेरी सेलिंग टाइम आती है अबाउट 3.6 ईयर्स इन लास्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब है कि अबाउट 60-65% टाइम मैंने फैमिली के साथ स्पेंड किया, मतलब शादी के बाद मैंने सफिशियंट टाइम स्पेंड किया है फैमिली के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं कि सेलिंग करने से फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता। तो बात ऐसी है कि सेलिंग में क्या है ना कि पैसा आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। इवन एज ए क्रेडिट शिप आप जो पैसे कमाते हैं वो मेरे टाइम पे तो काफी होते थे, मैंने अपना सेकेंड मेट एग्जाम वगैरह भी उसी से कर लिया था। बस आपको चाहिए क्या कि मजे करो लेकिन थोड़ा सा सेविंग, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड हो गया, अपना FD हो गया, अपना थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी भी अपनी औकात से बाहर मत खरीदो, थोड़ा लिमिट में खरीदो क्योंकि EMI ज्यादा हो जाएगी तो सेविंग नहीं कर पाओगे। तो ये सब करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लानिंग का बात किया जाए तो आई एम ऑल डन भाई। मेरे सारे टारगेट, मेरे जो कुछ भी चीजें थी, मेरे सपने थे, ख्वाब थे, सब पूरे हो चुके हैं। थोड़ा सा मेरा EMI बचा हुआ वो कंप्लीट करना है, सेविंग करनी है, फ्यूचर सिक्योर करना है और लाइफ को एंजॉय करना है जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे करना है। और काम का तो क्या बताऊं। I am captain. My passion is sea sailing and ships. I love my job as a master. I make vlogs in my free time to spread happiness and a healthy lifestyle. ठीक है, ओके। Lastly, मेरे से जो सीखना है सीखो, लेकिन मेरा recommendation ये है कि भाई मेरे से better saving करो, investment करो, SIP करो, मजे करो। Cabin तो दिखाया नहीं इसने, लेकिन I am sure smart लोगों ने देख लिया होगा। किसी भी रीजन से अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।
कोई किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा, अपना अपना बताने का बस. नेक्स्ट बी, ओ यार कैमरा नीचे है. इज दिस द लास्ट बी? एंड आई एम वेरी हैप्पी. क्यों इंग्लिश बोल रहा है? क्यों इंग्लिश बोल? हिंदी चैनल है भाई, कट देना चाहिए तो ये लाइन. लाइटिंग प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट सीक्वेंस, कैप्टन आएगा यूनिफॉर्म में, बोलेगा आई लव माई जॉब. गलत, फिर से.